हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। वॉशिज के हवाले से हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि वॉशिज कितनी किस्म की होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली वॉश जो हमने पढ़ी थी, स्टोन वॉश के हवाले से कुछ चीज़ें हम आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसको, कि स्टोन वॉश का प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से प्रोसेस थ्रो करता है आगे, और थ्रो करने के बाद वो एंड अप होता है और हमें एक वॉश गारमेंट, स्टोन वॉश गारमेंट मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टोन वॉश ये प्रोसेस आम तरीक़ेकार है जो कि वॉश गारमेंट को वॉश लुक देता है। ये प्रोसेस 70s में शुरू हुआ। इसमें प्यूमिक स्टोन की मदद से इंडिगो डाइड डेनम की एजिंग की जाती है। स्टोन ही एजिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से अंजाम देता है। स्टोन ही वाइट हमारे पास हमारे हथियार है, इसकी वजह से डेनम जो इंडिगो डेनम है उसको एज किया जाता है, और एक एज करने के बाद उसका एक अलग ही लुक नज़र आता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कामयाब है। हम जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो जज्बियात होते हैं इस वॉश के अंदर, सिर्फ स्टोन ही इस्तेमाल करते हैं। स्टोन ही इस वॉश का वाइट जूस है, जो इस स्टोन के अंदर छोटे 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 सुराख होते हैं, और ये बहुत अच्छा एजिंग का काम करता है ये स्टोन जो होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग अ वॉश डाउन इफेक्ट ऑन डेनम। प्यूमिक स्टोन वर डिस्कवर्ड टू एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस ऑफ इंडिगो डाइड। प्यूमिक स्टोन यूजेस व्हिच हैव स्मॉल पोर्स। सबसे पहले हमने गारमेंट को लोड करना है और स्टोन को लोड करना है। देन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है डिसाइजिंग। डिसाइजिंग में डिटर्जेंट प्लस एंजाइम प्लस ऑक्सीडेटिव डिसाइजर जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद देन फिर हम रिंसिंग करते हैं। फिर प्रोसेस आगे जाता है, वॉशिंग होती है जिसमें 30 से 60 मिनट्स लगते हैं। देन आपकी फिर 30 से 60 मिनट के बाद फिर पानी गिरा दिया जाता है और रिंसिंग की जाती है। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस शुरू होता है, सॉफ्टनिंग की जाती है, अच्छा सॉफ्टनर इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रोसेस आगे की तरफ निकलता है तो निचोड़ा जाता है गारमेंट को और निकाल लिया जाता है, और स्टोन को अलहदा करते हैं। फिर इसको हाइड्रो के अंदर सुखाया जाता है। हाइड्रो के ड्रायर के अंदर इसको फिर सुखाया जाता है, इसको निकालने के बाद, ताकि वो अच्छे तरीके से सब पानी चढ़ जाए और गारमेंट जो है आपका वो ड्राई हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा। अगर इसको इंग्लिश में देखते हैं हम, तो लोडिंग हमने करनी है गारमेंट की स्टोन के साथ, डिटर्जेंट प्लस एंजाइम ऑक्सीडेटिव डिसाइजर इस्तेमाल करते हैं हमने। डिसाइजिंग के बाद रिंसिंग होगी, रिंसिंग के बाद वॉशिंग होगी 30 से 60 मिनट्स, देन रिंसिंग होगी, फिर सॉफ्टनिंग होगी, फिर एक्सट्रैक्टिंग होगी। उसके बाद अनलोडिंग करके हमने रिमूव करना है स्टोन को और गारमेंट को, फिर हमने ड्राइंग करनी है ड्रायर के अंदर, और ये हमारा प्रोसेस जो है वो स्टोनिंग का, स्टोन वॉश का कंप्लीट हो गया। प्रोसीजर कैसा होता है इसका? रंग का हटना फैब्रिक की महसूस होना स्टोन के रंग पर मुनसिब है। इस प्रोसेस के दौरान इंडिगो की बाहरी तह जो होती है, और फैब्रिक की बाहरी तह जो होती है जो इंडिगो कहलाती है, उसको हटाया जाता है और अंदरूनी फाइबर्स जो है बाहर निकल आते हैं। इस किस्म की वॉश का तमाम असर स्टोन के साइज, उसके रेशो, महलूल की रेशो जो उसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, महलूल टाइम और गारमेंट के लोड पर मुनसर है। स्टोन 1 से 7 सेंटीमीटर तक के साइज के होते हैं। 2 से 3 cm अच्छी डेनम क्वालिटी के लिए, और 3 से 6
PM जो है नॉर्मल क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टोन की मदद से ये दर्जे दिल वॉशिज भी आप कर सकते हैं। इसमें सैंड वॉश है, गोल्फ बॉल वॉश है, माइक्रो वॉश है, माइक्रो सैंड वॉश है। इन वॉशिज में हम वो छोटे स्टोन इस्तेमाल होते हैं, स्टोन इस्तेमाल होते हैं, तो ये वॉशिज भी होती हैं स्टोन से। जैसे 1 से 7 cm का साइज है और यहाँ पे 2 से 3 cm का साइज है, तो इसमें 2 से 3 cm का स्टोन इस्तेमाल होगा। स्टोन वॉशिंग के लिए ड्रम वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती है जिसमें गुंजाइश तकरीबन 200 kg हो। नॉर्मल हालत में फैब्रिक की रेशियो 1:2 होती है, जबकि छोटे स्टोन से अच्छा फेडिंग और रगड़ का असर आता है। इस असर को टाइम बढ़ाकर ज़्यादा किया जाता है, मगर ज़्यादा करने से गारमेंट पे इसके मनफी असरात भी हो सकते हैं। अगर आप टाइम ज़्यादा कर देंगे तो वो जोन को ज़्यादा रगड़ होगी और हो सकता है कि फैब्रिक को ज़्यादा टाइम की वजह से वो डैमेज कर दे। तो ये एक इसका प्रोसीजर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ बयान किया गया है। इसको अगर हम बीच में देखें तो कलर फेडिंग एंड फैब्रिक फील डिपेंड ऑन स्टोन वेट। इन दिस प्रोसेस इंडिगो लेयर सेपरेटेड एंड अनडाइड फाइबर ऑफ यार्न कम आउट। द ऑल इफेक्ट ऑफ दिस वॉश डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्टोन, रिकोर रेशियो, टाइम रेशियो एंड लोड ऑफ द गार्मेंट। अवेलेबल स्टोन साइज इज 1 cm to 7 cm। फर्दर फॉर रिफाइंड इफेक्ट 2 cm to 3 cm एंड नॉर्मल क्वालिटी 3 cm to 6 cm स्टोन यूजेस। टाइप वॉशिज क्या है आपकी, ये मैंने लास्ट बताया आपको, गोल्फ वॉश, माइक्रो वॉश है, माइक्रो सैंड वॉश है, सैंड वॉश है। ये वॉशिज जो है इसी स्मॉल स्टोन की वजह से की जाती है। इक्विपमेंट हमने ड्रम इस्तेमाल करना है। ड्रम वॉशिंग मशीन यूज फॉर स्टोनिंग प्रोसेस विच हैव कैपेसिटी ऑफ 200 kg एट लीस्ट। इन नॉर्मल सर्कमटेंसेज द रेशियो ऑफ द गार्मेंट 1:2। Whatever the small stone create a better fading and abrasion effect। तो दोनों जगह यही बयान किए जा रहे हैं ताकि आप जो दूसरे देखने वाले हैं जो इंग्लिश में समझ सकते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश में भी हमने बयान कर दिया। यही तरीकेकार होता है अपना वॉश करने के लिए स्टोन वॉश। बिल्कुल इसी तरीके से छोटे अगर आप स्टोन इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और रिफाइन आएगा। तरीके से नॉर्मल क्वालिटी अगर आपने वॉश करना है स्टोन तो 3 cm से 6 cm भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर टाइप का स्टोन आपके वो मौजूद होगा। तो ये हमने आज स्टोन वॉश को अपने पास आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, बार बार देखें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आज हमने पहला टॉपिक जो है अपना स्टोन वॉश का कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी जो वॉश होगी हम उसको कवर करेंगे। तो तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है, जो वीडियोस मेरी देखते हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच करें जो वॉशिंग से रिलेटेड है। करीबन 5 या 6 वीडियोस इसमें होंगी वॉशिंग की, उसके बाद फिर वो ड्राई प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें फिर आपके पास आ जाएंगी। तो इनको वॉच करें आप। वॉच करने के बाद इस पर आप कमेंट्स भी करें कि आपको वीडियो लगी कैसी, और अपने जो आपके आसपास जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो उनको भी आप पास ऑन करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इसे वॉच करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम आपके लिए आगे लेके आते रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।